गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों में हमने दो विधियां पढ़ी थी, एक घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा भौतिक संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। आज हम तीसरी विधि पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि में बिना आवेशित वस्तु को टच किए, यानी एक वस्तु है आवेशक में, इसके संपर्क में लाए बिना दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न करते हैं, इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में मान लीजिए हमने गोला ले लिया, अनावेशित चालक गोला, अनावेशित चालक गोला, एक धातु का गोला ले लिया, अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है। एक अनावेशित चालक गोला है जिसमें कोई आवेश नहीं है, लेकिन हमें इसमें आवेश लाना है और वो भी किसी चीज को टच किए बिना। हमने एक गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया, कुचालक आधार, कुचालक इसलिए ताकि जमीन में ना चला जाए आवेश। तो ये हो गया स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप यानी कि सबसे पहले हमने जो काम किया वो लिया गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा। सेकंड स्टेप वही कुचालक स्टैंड लेना है। स्टेप टू, इसमें क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु को जैसे एक छड़ ले ली, अनावेशित, एक आवेशित छड़ को इसके नजदीक रख देंगे। ये धातु का गोला है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्लस से आकर्षित होंगे और इसकी इस वाली सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे। इस गोले के अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ खींचेंगे, इस प्लस से आकर्षित होंगे और इधर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो दूसरी सतह है ये अपोजिट साइड विपरीत तरफ, इसमें बदले में प्लस आवेश आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गोले में कोई आवेश नहीं था, गोला अनावेशित था। तो अनावेशित था तो इस हिस्से में आवेश कहां से आया, तो कहीं और से आए जहां से इलेक्ट्रॉन, तो वहां बदले में प्लस आवेश छोड़कर आया। तो इस तरह से इस छड़ को रखने पर इस गोले में इधर माइनस आ गया और इधर प्लस। अगर आप इसी जगह माइनस आवेश देते तो यहां प्लस हो जाता या माइनस, क्योंकि ये प्लस जो है ये माइनस को खींचेगा, अपोजिट वाले को खींचेगा, तो ये इसके नजदीक आ गया, और प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो ये दूर हट गया। ये हो गया स्टेप सेकंड। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे देखिए, ये छड़ ऐसे कैसे रखी रहेगी, छड़ को इसके टच नहीं करना है, टच करोगे तो फिर तो वो दूसरी विधि में आ जाएगा, चालन द्वारा आवेश वाली विधि में आ जाएगा, वैसे ही चला जाएगा। हमें इसे बिना टच किए बिना संपर्क में लाए आवेश पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है जो माइनस आवेश है उसको तो इसने खींच के रोक रखा है, इधर वाली सतह की अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग मतलब जमीन से टच कर देंगे तार लेकर, भू संपर्कन, भू संपर्कन इंग्लिश में कहते हैं अर्थिंग, ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं। तो इसके हमने इस वाले सतह की जैसे ही अर्थिंग की तो इधर वाला सारा आवेश जमीन में चला जाएगा, इधर वाला आवेश जमीन में चला गया क्योंकि ये प्लस आवेश तो इससे प्रतिकर्षित हो रहा था, इससे वैसे ही दूर जाना चाहता है, और ऐसे में हमने अर्थिंग और दे दी। अर्थिंग का एक गुण होता है, जमीन से आप किसी चीज को टच कर दो तो जमीन से कितना भी आवेश ले सकता है वो और कितना भी आवेश दे सकता है। अगर एक्स्ट्रा आवेश है, जैसे ये वस्तु है इसमें एक्स्ट्रा आवेश है और जमीन से टच कर दोगे तो जमीन में चला जाएगा, और अगर इसमें आवेश की कमी है तो जमीन से लेकर ये पूर्ति भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्लस आवेश है वो जमीन में चला जाएगा। इसके बाद में फोर्थ स्टेप,
स्टेप 4। इसमें छड़ को ऐसे कैसे लगे रहने देंगे, छड़ को नहीं हटाना है, क्योंकि अगर आपने पहले छड़ को हटा दिया तो अब ये माइनस को कौन रोकेगा, माइनस ही चला जाएगा जमीन पर, तो ये तो पूरी स्थिति बन जाएगी शुरू वाली। तो इसमें गलती भी करनी है माइनस को हटाने की, सॉरी छड़ को, तो माइनस ताकि बरकरार रहे। पहले हम अर्थिंग हटा देंगे, इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, अर्थिंग को हटा दिया और लास्ट में इस छड़ को हटा दिया। छड़ का काम खत्म, छड़ को हम नजदीक जरूर लाए थे, छड़ की हमने सहायता जरूर ली है, लेकिन छड़ का आवेश खत्म नहीं हुआ, छड़ का आवेश प्रभावित नहीं हुआ, छड़ में उतना ही आवेश है, बस छड़ तो यह है कि आवेश को सेपरेट करने में काम आया था, बाद में छड़ को हटा देंगे। तो छड़ को हटाते ही माइनस के समान रूप से फैल जाए, क्योंकि देखो माइनस जो है वो आपस में तो प्रतिकर्षित होगा, समान आवेश है तो आपस में प्रतिकर्षित होगा, दूर दूर हटना चाहेगा, लेकिन इसमें दूर क्यों नहीं हटा, क्योंकि इस प्लस ने खींच रखा है, इस प्लस ने खुद की तरफ आकर्षित कर रखा है, इसलिए ये इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इस प्लस को हटा दोगे तो अब ये स्वतंत्र हो गए सारे माइनस वाले, तो ये प्रतिकर्षित होकर दूर हटेंगे, तो दूर हटने के लिए सतह पर चले जाएंगे, क्योंकि सतह पर जाएंगे जब भी दूरी ज्यादातर होगी, तो ये सारे ये समान रूप से फैल जाएंगे। इस प्रकार ये पांचवें स्टेप में गोले में आवेश आ जाएगा। तो ये जो गोला है इसमें शुरू में कोई आवेश नहीं था, इसमें हमने आवेशित वस्तु को टच भी नहीं किया, फिर भी इसके अंदर लास्ट में आवेश आ गया। इसमें दो चीजों की सहायता ली है, एक तो हमने इस आवेशित छड़ की और दूसरे इस अर्थिंग की। तो इस प्रकार हम प्रेरण द्वारा आवेशन कर सकते हैं बिना संपर्क मिलाए। तो पहला स्टेप है इसमें सर्वप्रथम एक अनावेशित गोले को एक कुचालक आधार पर रखते हैं। सेकेंड स्टेप है एक आवेशित वस्तु को या आवेशित छड़ को गोले के समीप लाते हैं, जिससे गोले में चित्रानुसार विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद एक हिस्से के अर्थ कर देते हैं, जिससे एक ही प्रकार का आवेश शेष रह जाता है। फिर अगले स्टेप में अर्थिंग को भी हटा देते हैं, अर्थिंग को हटाते ही केवल एक ही प्रकार का आवेश बचेगा इसमें, और लास्ट में इस छड़ को भी हटा देंगे ताकि एक ही तरह का आवेश जो बचा है वो एक समान रूप से फैल जाए। तो इस प्रकार हमने इस गोले को आवेश किया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि उदाहरण सहित समझाइए कि किस तरह से आप प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हो, किस तरह से आप बिना आवेशित वस्तु को टच किए बिना, आवेशित वस्तु को टच किए बिना किस प्रकार से आवेशित कर सकते हो, तो उसका एक उदाहरण देकर समझा सकते हो। जैसे प्रेरण विधि को समझाना पड़े तो आपको एक पूरा समझाना पड़ेगा, ये हो गया। आप यहां पर कंप्लीट पांच स्टेप एक साथ देख रहे हो। अब इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन, एक तो यह क्या बिना अर्थिंग के संभव है, दूसरा ये कि क्या इसमें माइनस की जगह प्लस ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। अगर मैं यहां पर माइनस लेता तो ये इधर प्लस होता, इधर माइनस रहता, फिर माइनस वाला जमीन में चला जाता और इसमें लास्ट में प्लस बच जाता। दूसरी चीज इसमें ये ध्यान देनी है, ये अर्थिंग की है, हम बोलते ऐसे हैं कि सारा आवेश जमीन में चला गया, भले बोलने में ऐसा आता है, चलन में ऐसा है, प्रचलन में है कि आवेश जमीन में चला गया, लेकिन प्लस आवेश जमीन में नहीं जाएगा। यहां पर प्लस जो है वो आयन है, तो परमाणु के आयन थोड़ी जाएंगे जमीन में, तो यहां पर केवल आवेश खत्म हो गया। आवेश खत्म कहां से होगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन चलते आएंगे, इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, तो इसमें जमीन से इलेक्ट्रॉन आकर और इसको उदासीन बना देंगे इस पोर्शन को, लेकिन हम बोल देते हैं कि प्लस आवेश डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, जमीन में चला गया, तो भी ठीक है। अच्छा, बिना अर्थिंग के कैसे आवेशित कर सकते हैं वस्तु को, इसका भी एक तरीका है। जैसे मान लो ये दो गोले आपस में संपर्क में रखे जाएंगे,
एग्जाम के लिए तो एक ही मेथड पर्याप्त है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझना जरूरी है। अगर मान लो हम ऐसे एक छड़ ले आते हैं, अब ये यहां से यहां तक पूरा टच आई है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने जाने के लिए रास्ता फ्री है, खुला हुआ है, तो ये माइनस क्या करेगा, इसके नहीं इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे होंगे, इसमें नहीं होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चल के आ जाएंगे और यहां इकट्ठे हो जाएंगे, और जो प्लस होगा वो अधिकतम दूरी पर चला जाएगा, यानी इसमें चला जाएगा। तो ये प्लस ने क्या किया, एक गोले में माइनस जो नजदीक वाला है और जो दूर वाला है उसमें प्लस उत्पन्न कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में इनको अलग अलग कर देंगे, लेकिन छड़ को नहीं हटाना है, आप छड़ इधर ही रहने दें। अगर आपने मान लो पहले छड़ को हटा दिया, जैसे इसको मैंने हटा दिया, तो अभी माइनस प्लस वापस मिक्स हो जाएंगे और ये तो वापस अनावेशित हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, छड़ को तो यही रहने देंगे, इसका जो ये माइनस है वो इसमें है और प्लस इसमें है, बस इसको थोड़ा सा दूर कर दिया, तो दूर करने से क्या होगा, आपस में एक दूसरे के आवेश स्थानांतरित नहीं हो सकते, इसका आवेश इसी में रह गया, इसका आवेश इसी में रह गया, लास्ट में इसको हटा देंगे, अब छड़ की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो और गोलों को भी चाहे और दूर ले जाओ। तो इसमें माइनस आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा और इसमें प्लस आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। तो यहां हमने अर्थिंग भी नहीं की, यहां जमीन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां दो गोलों की जरूरत पड़ी, ताकि एक में प्लस दूसरे में माइनस आए। पिछले वाले में क्या था, प्लस वाला जमीन में चला गया था, तो एक में माइनस रह गया था, इस बार दो गोले एक में प्लस आ गया, एक में माइनस आ गया। तो एक तरीका यह भी है जिसमें बिना अर्थिंग के प्रेरण द्वारा आवेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आवेशन की तीनों विधियां कंप्लीट हो गई। तो हमने आवेश के बारे में अब तक जाना है, आवेश की विशेषताएं, आवेश की विधियां, आवेश के मात्रक वगैरह, बेसिक जानकारियां आवेश से संबंधित। आवेश से संबंधित अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया है, ये पढ़ाया है क्यू इक्वल टू एन ई वाला, तो हम इस पर आधारित एक सवाल करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। किसी वस्तु में एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, एक क्वेश्चन है ये कि किसी वस्तु से हमें, किसी वस्तु में हमें एक कूलम आवेश आना है, तो एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्यू इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस रहने दो, तो सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कौन सा आवेश आएगा, हमें केवल मान चाहिए। यहाँ ये है आवेश का मान, वो दिया हुआ है एक कूलम, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, एन अज्ञात है यहाँ पर और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्यू अपॉन ई, ई को नीचे ले लेते हैं, तो एन इक्वल टू हो जाएगा, क्यू का मान है वन कूलम, तो एक रख देंगे कूलम ऐसा ही मात्रक है, ई का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको थोड़ा सावधानी से सॉल्व करेंगे, इस दशमलव को हटाकर एक जीरो बढ़ा लेते हैं ऊपर, तो 10/16, और इस 10 की घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, आप जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे।
5 × 10⁻¹¹. यह आंसर होगा। यानी कि सवा क्षेत्र ये हो गया और यहाँ 10^18 हो गए। आप इमेजिन कीजिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है। 10^18 बहुत बड़ी संख्या है। करोड़ों अरब वगैरह ये बहुत छोटे रह गए। करोड़ अरब खरब ये तो 10^9, 10^11 ही में सिमट गए। ये तो 10^18 है, बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब एक गुलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक गुलाम बहुत बड़ी वैल्यू है। तो प्रैक्टिकली अगर हम रियल में देखें तो ये जो है एक गुलाम ये बहुत बड़ी वैल्यू है। सामान्यतः किसी एक वस्तु में ये आवेश नहीं आ सकता। जैसे मान लो ऐसे कोई वस्तु हो इस चौक के बराबर या फिर इस बोर्ड के बराबर की कोई धातु कोई शीट है, इसमें एक गुलाम आवेश ला सकते हैं तो नहीं ला सकते। एक गुलाम आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि एक गुलाम बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए नैनो गुलाम माइक्रो गुलाम मिली गुलाम इस तरह के मात्रक लिए जाते हैं। तो ये Q=ME पर आधारित एक क्वेश्चन हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तो N अज्ञात था, ये पूछा था। एक और एग्जांपल करते हैं। किसी वस्तु ए से 5 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु बी में स्थानांतरित होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में आवेश का मान चिन्ह सहित बताइए। क्वेश्चन है कोई वस्तु है ए, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु बी में ट्रांसफर करती है, बी में पहुंचाती है, तो दोनों में आवेश का मान निकालना है और वो भी हमें चिन्ह सहित बताना है किसमें प्लस किसमें माइनस। चलो मान लो ये दो वस्तु हैं ए और बी, ये ए और बी दो वस्तु हैं, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ए से बी में, तो ए में से आगे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें कौन सा आवेश आएगा माइनस सॉरी प्लस का, इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उसमें आएगा माइनस का। फॉर्मूला ये लगेगा क्यू बराबर है एम वाले। तो पहले हम ए में निकालते हैं, ए में आवेश, पहले इस ए में आवेश निकालेंगे। चलो इसको क्यू ए नाम दे देते हैं, ये एन ई। अब यहां पर प्लस माइनस का हिसाब आपको इससे लगाना है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जा रहे हैं। तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्यू ए इक्वल टू प्लस एन का मान। तो एन का मान रख देंगे, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5 इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹¹, जिसको हमने क्वांटक कहा था, इसको आवेश का एक क्वांटक कह देते हैं, ये इसकी वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.0
इनटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम्ब। तो वस्तु ए में आवेश की मात्रा हो गई। इसी प्रकार बी में निकालेंगे, इसी प्रकार बी में आवेश इसको नाम दे देते हैं क्यू बी। तो अगर बी में आवेश चाहिए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन माइनस आएगा यहां पर। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो आवेश बढ़ेगा, तब माइनस का आवेश बढ़ेगा, ऋणात्मक हो जाएगा ये। तो माइनस एम का मान वही है 5 और ई का मान भी वही है, कुल मिला के वैल्यू तो वही आ गई, लेकिन चिन्ह अपोजिट हो गया माइनस 90 कूलम्ब। तो इस प्रकार से दोनों वस्तुओं में समान परिमाण का आवेश होगा, एक में पॉजिटिव होगा और दूसरे में नेगेटिव, क्योंकि इन्हीं में तो ट्रांसफर हुआ है, बाहर से थोड़ी आया आवेश। तो एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है क्यू बराबर एनवी वाले टॉपिक। एक और एग्जांपल देता हूं, क्या किसी वस्तु में निम्न आवेश संभव है? फर्स्ट 1.4 10 टू दी पावर माइनस 90, सेकेंड 1.6 या 8.0 10 टू दी पावर माइनस 80, फोर 4.6 10 टू दी पावर माइनस 90, थर्ड और ये फोर। ये क्वेश्चन और है जिसमें आपको ये बताना है कि क्या ये आवेश किसी वस्तु में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। चेक करना है हमें क्या ये आवेश की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। ये 10 टू द पावर माइनस 19 है, ये 1.4 है, तो 1.66 से कम रह गया ये। और मैं बता चुका हूं कि 1.6 जो वैल्यू है यहाँ पर वो न्यूनतम वैल्यू है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये तो एक क्वांटा से कम रह गया, एक क्वांटा से कम आगे जब आया जब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको तो डायरेक्टली कह सकते हो। और अगर आपको सॉल्व करके बताना है कि आपको तो नहीं लगा, आप कहो कि हमें ढंग से तो हिसाब नहीं लगता, तो फिर फॉर्मूला है में गलत होने के चांस रहते हैं। तो Q = A की
ये तो अपॉन में ई है, इसकी जगह आएगा 1.6 10 टू द पावर -19। इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा दो, दशमलव से दशमलव, और 10 की घात ऊपर माइनस रखा है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, तो कुल मिला के 10 की घात 1 बच जाएगा। और इसको तो नाम ही लिखो तो क्या फर्क पड़ रहा है, 10 बच जाएगा, तो 10 बच गए। इसका इसमें भाग देंगे तो 5 और ये 0। तो इस प्रकार n की वैल्यू आ गई 50, n का मान आ गया 50। 50 एक पूर्णांक है, 50 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो सकता है, तो आप देखोगे इसमें यहां n एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक में या पूर्ण संख्या कुछ भी लिख सकते हो, ये पूर्ण संख्या है, मतलब भिन्न नहीं है, दशमलव नहीं है, तो इसको मतलब 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इतने आवेश बना सकते हैं। अतः दिया गया आवेश संभव, तो किसी वस्तु पर जो आवेश दिया जाएगा वो पॉसिबल है। इसके अलावा थर्ड तीसरा है ये 4.6 वाला, तो Q इक्वल टू ME, वापस इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यानी कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये तो सबको आपको वैसे ही याद हो गया होगा, तो N इक्वल टू Q अपॉन E, Q की वैल्यू थर्ड वाला है तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और नीचे आएगा 1.6 10 टू द पावर -19, ये इसकी वैल्यू है, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, दशमलव से दशमलव हटा दो, 46/16, और काट दो इसको 23/8, कुल मिलाकर इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, दो बार चला जाएगा, 16 और 7 बचेगा, ये आ गया। कुल मिलाकर ये 3 से कम रह गया और 2 से ज्यादा हो गया, तो यहां n जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो किसी वस्तु में 2.9 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे, दशमलव में ये 0.9 आवेश ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, अतः यह आवेश यह कौन सा जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप लिख दो या फिर अतः दिया गया आवेश संभव नहीं है, जो आवेश क्वेश्चन में दिया है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने चेक किया ये आवेश संभव नहीं है, क्योंकि ये तो एक से ही कम रहेगा, ये आवेश संभव है क्योंकि ये पूर्ण संख्या आ गई, ये 1.6 × 10⁻¹⁹ का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तीसरा है ये भी संभव नहीं है, भले ही इसका मान इस संख्या से ज्यादा है क्वांटा से, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, दशमलव में जा रहा है, तो ये भी संभव नहीं है। तो इसके बाद हम एक और है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू फॉर्मूला में लगेगा Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई, एन इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू रखेंगे 3.8 10 टू द पावर -15 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19। ये जो पावर है 10 की घात जो -19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा, तो 10 की घात +19 में से -15 डिफरेंस निकालो तो प्लस का 4 बच जाएगा, दशमलव से दशमलव हटा दो और 2 से काट दो, तो 19/8 बच जाएगा, यानी ये हो गया 19 के आगे 4 0 और बटे में 8। अब आपको चेक करना पड़ेगा भाग देकर, जैसे 8 का इसने भाग दिया, दो बार चला गया, 8 × 16, 16 के बाद में 3 बचा, 8 × 3 = 24, फिर 8 बच गया, 6 बच गया, तो 8 7 6
इसी वजह से गलत होता है क्वेश्चन। तो Q इक्वल टू एन ई वाले टॉपिक पर काफी क्वेश्चन हो गए। तीन तरह के क्वेश्चन हो गए, तो हमारे जो एनसीईआरटी है सिलेबस उसमें ये सारे कवर हो गए। एक आवेश से संबंधित कुछ चीजें और है, आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है एक बार इसको देखो। यहां पर अगर आवेश है और स्थिर है तो ये अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जिसको ई से डिनोट करते हैं अपने चारों ओर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे एक चौक है तो ये पृथ्वी की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र वहां तक होगा जहां तक उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे मान लो किसी चीज में आवेश है, जैसे इसमें आवेश है तो अपने चारों तरफ ये प्रभाव उत्पन्न कर देगा, जहां तक भी वहां तक इसका विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो जैसे ये एक स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश है तो ये अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक कॉन्सेप्ट तो ये कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश देखो क्या करेगा, एक समान वेग से गतिशील आवेश, जैसे ये आवेश है ये इधर की तरफ चल रहा है और इसका वेग है v, कांस्टेंट है ये वेग, कांस्टेंट मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कम ज्यादा नहीं हो रही, ना ही दिशा बदलेगी। तो एक समान वेग का मतलब होता है ना तो स्पीड कम हो ना ज्यादा हो ना ही दिशा बदले। तो अगर एक समान दर से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है तो ये दो चीजें उत्पन्न करेगा, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे इससे। विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आवेश गति कर रहा है और गति समान नहीं है, एक समान नहीं है, असमान है, असमान वेग से गतिशील आवेश, असमान है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं दोलनी या त्वरित। ये एग्जांपल हो गए, एक बार क्वेश्चन आया था इसका, उसमें ऐसे लिखा था कि त्वरित आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है या दोलनी आवेश, तो वो असमान गति वाले आवेश होते हैं। तो अगर आवेश असमान वेग से चल रहा है, यानी आवेश गति तो कर रहा है लेकिन वेग असमान है, असमान का मतलब हो गया या तो स्पीड कम हो रही है या स्पीड बढ़ रही है या दिशा बदल रही है, तो ये तीन चीजें उत्पन्न करेगा। पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और एक एक्स्ट्रा चीज और, ये दो चीज तो पहले ही आ गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश गति करते ही ये दो चीज उत्पन्न होंगी, चाहे एक समान वेग हो चाहे असमान हो। बस ये है कि एक समान में केवल ये दो चीज उत्पन्न होंगी और असमान वेग में एक तीसरी चीज और आएगी, वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, प्रकाश तरंगे हैं, ये जितनी भी तरंगे हैं सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती है। तो ये तीनों चीज उत्पन्न होते हैं अगर आवेश गति कर रहा है और उसका वेग एक समान नहीं है, या तो दोलन कर रहा है या उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये आवेश के द्वारा
सारी चीजें आ गई। तो आज हमने प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा, Q इक्वल टू एम वी पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड स्टैंडर्ड के हैं वो सारे पढ़ लिए, और आवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे के टॉपिक लेंगे। थैंक यू।